हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दो नंबर को कैसे स्वैप करते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो चलिए सबसे पहले मैं देव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूं, उसके बाद मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा ताकि यहां पर मैं अपना प्रोग्राम लिख सकूं। सबसे पहले मैं सिंटेक्स लिखूंगा। सिंटेक्स मतलब होता है प्रोग्राम को लिखने का तरीका। इसके बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ सिंटेक्स के बारे में। उसके बाद मैं int main लिखूंगा जो कि एक फंक्शन है। मेरा जो भी प्रोग्राम होगा वो मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को दो नंबर देता हूं और उसको बोलता हूं कि आप इसको स्वैप करो। तो आप कैसे करोगे? सपोज दैट मैं आपको नंबर दिया a इक्वल्स 89 एंड b इक्वल्स 65। अब आप इसको कैसे स्वैप करोगे? तो आप इसको स्वैप करने के लिए क्या करोगे, तो a में आप b का वैल्यू असाइन कर दोगे लाइक 65 एंड b में आप a का वैल्यू असाइन कर दोगे 89। तो क्या किया आप यहाँ पे, a में जो वैल्यू था वो आप b में ला दिए और जो b में वैल्यू था वो आप a में ला दिए। यानी कि क्या किए, तो a और b को आपस में आप एक्सचेंज कर दिए। तो इसी एक्सचेंज करना को आप स्वैपिंग बोलोगे, इसी एक्सचेंज करना को हम स्वैपिंग कहते हैं। अब यदि मैं आपको बोलूँ कि सी लैंग्वेज में आप इसको कैसे स्वैप करोगे यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो सबसे पहले आप यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे जो कि इंट टाइप का होगा। इंट टाइप का वेरिएबल इसलिए आप डिक्लेयर कर रहे हो क्योंकि आप जो इनपुट लेने वाले हो यूजर से वो इंटीजर टाइप का आप इनपुट लेने वाले हो, आप इंटीजर टाइप के नंबर को स्वैप करने वाले हो, इसलिए यहाँ पे आप इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। उसके बाद हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर शो हो कि आप कौन सा नंबर को स्वैप करना चाहते हो। आप ए और बी का वैल्यू अपने मन से कोई भी इनपुट करो। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आउटपुट स्क्रीन पर शो होने के लिए आप प्रिंटएफ का यूज करोगे। प्रिंटएफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि studio.h हेडर फाइल में पहले से ही प्रीडिफाइंड है। प्रिंटएफ का काम होता है आउटपुट शो करना। तो यहाँ पे आउटपुट शो कराना चाहते हैं हम इंटर वैल्यू ऑफ A and B। ये जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा और वहां पे हम A और B का वैल्यू रेस्पेक्टिवली इनपुट करेंगे। उसके बाद हम इनपुट करने के लिए scanf का यूज करेंगे, फिर परसेंटेज डी, दो परसेंटेज डी लिखेंगे। दो परसेंटेज डी इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम दो नंबर इनपुट लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम दो परसेंटेज डी का यूज कर रहे हैं। अब परसेंटेज डी ही इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम दो परसेंटेज डी लिए। यदि यहाँ पे फ्लोट टाइप का वैल्यू हम इनपुट लेते तो यहाँ पे हम परसेंटेज एफ देते। परसेंटेज एफ हम देते जब फ्लोट टाइप का हम वैल्यू लेते। अब फ्लोट मीन्स होता है लाइक मेरा जो इनपुट होगा वो दशमलव में रहता, तो इट मीन्स 5.6 रहता, 8.9 रहता, 10.11 रहता, इस टाइप का यदि मेरा वैल्यू रहता तब यहाँ पे हम परसेंटेज एफ का यूज करते और हम वेरिएबल भी उस समय डिक्लेयर करते फ्लोट टाइप का। लेकिन यहाँ पे मेरा इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट लेने वाले हैं हम, इसलिए यहाँ पे हम इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किए और इंट और परसेंटेज डी का यहाँ पे हम यूज किए। उसके बाद हम कॉमा, दो एम्परसेंड ए मेरा पहला जो वेरिएबल है, फिर एम्परसेंड बी मेरा दूसरा वेरिएबल है, सेमी कॉलन। अब हम थर्ड वेरिएबल का यूज करके स्वैप कराना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं लाइक टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं टेम्प। अब क्या करेंगे हम, तो टेम्प में ए को असाइन करेंगे, टेम्प इक्वल्स ए। ए का वैल्यू जो होगा वो हम टेम्प में रखेंगे। मैं आपको ड्राई रन करके भी बताऊंगा कि इसको कैसे, ये कैसे स्वैप हो गया। अब ए में हम बी का, अब बी में, अब बी का जो वैल्यू है वो हम ए में रखेंगे और टेम्प में जो वैल्यू हम दिए थे वो हम बी में असाइन कर देंगे। उसके बाद हम आउटपुट शो करेंगे प्रिंट एफ ए इक्वल्स परसेंटेज डी एंड बी इक्वल्स परसेंटेज डी, पहला है ए दूसरा है बी। चलिए सबसे पहले मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। swap.c से हम सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को क्योंकि ये मेरा स्वैपिंग का प्रोग्राम है। .c से इसलिए सेव करते हैं क्योंकि ये मेरा सी का प्रोग्राम है। अब मैं सबसे पहले एग्जीक्यूट पर क्लिक करके कंपाइल करूंगा। कंपाइल का काम होता है प्रोग्राम को रीड करना
और यह बताना कि हमारे प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई एरर है या नहीं। यहाँ देख सकते हैं आप, एरर जीरो है, वार्निंग जीरो है, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल भी रेडी है रन करने के लिए। तो अब मैं सबसे पहले एग्जीक्यूट पर क्लिक करूंगा, फिर रन करूंगा। यहाँ देखिए यूजर से ये इनपुट मांग रहा है, इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब मैं रेस्पेक्टिवली ए और बी का वैल्यू इनपुट करूंगा। आप जो भी नंबर डालना चाहते हो वो यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो। लाइक मैं ए का वैल्यू डाला 23 और बी का वैल्यू डाला 47। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्वैप होकर मेरा आंसर आ गया, ए इक्वल्स 47 एंड बी इक्वल्स 23। अब मैं यहाँ पे आपको ड्राई रन करके बताता हूँ कि ये स्वैप कैसे हुआ। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वैल्यू इनपुट किया, लाइक 23 में इनपुट किया एंड 47 में इनपुट किया। अब क्या हुआ, तो ए में 23 इनपुट हो गया एंड बी में क्या हुआ, तो बी में 47 इनपुट हो गया। क्या हुआ, ए में 23 इनपुट हो गया एंड क्या हुआ यहाँ पे, बी में 47 इनपुट हो गया। अब मैं क्या किया, तो टेम्प वेरिएबल जो है वो तो खाली है, तो ए का जो वैल्यू है 23 वो मैं टेम्प में असाइन कर दिया। तो टेम्प में क्या हो गया, टेम्प में चला गया ए का वैल्यू लाइक 23। अब टेम्प में जब ए का वैल्यू चला गया तब ए तो हो गया खाली, जब ए खाली हो गया तब बी में जो 47 था वो मैं ए में डाल दिया, तो अब ए में हो गया 47। अब जब ए में 47 चला गया तो बी हो गया खाली और टेम्प में पहले से ही 23 हम असाइन कर दिए थे। अब क्या करेंगे हम, तो टेम्प में जो 23 था वो हम बी में असाइन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बी खाली हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो बी में हम 23 डाल देंगे। तो अब क्या होगा, तो ए में चला गया 47 एंड बी में चला गया 23 और टेम्प जो खाली था पहले से वो खाली ही रह गया। अब मैं इसको फिर से सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन एक साथ। यहाँ देख सकते हैं आप, आपको भी इनपुट ले लो, लाइक 56 ले सकते हो, 76 ले सकते हो। ये देखो ए का वैल्यू हो गया 76 एंड बी का वैल्यू हो गया 56। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।